शुक्रिया टीआरडी, ये मेरा दूसरा इवेंट है टीआरडी में। मैं एक शेयर टीआरडी की नज़र करना चाहता हूँ कि मैं अपने शहरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने शहरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं टीआरडी को आदाब करना चाहता हूँ। ये देखिएगा, मैं माँ के हवाले से अपनी शायरी स्टार्ट करता हूँ कि जब भी रोए हैं रब के सामने यही ताउम्र मांगी है, जब भी रोए हैं रब के सामने यही ताउम्र मांगी है, मैंने दुआओं में जन्नत से ज़्यादा माँ की उम्र मांगी है। बहुत शुक्रिया जी। एक शेर और देखिएगा माँ के हवाले से कि बड़ी उलझन थी जीवन में, बहुत सूना अंधेरा था। बड़ी उलझन थी जीवन में, बड़ा सूना अंधेरा था, तेरे कदमों में जब सोया बड़ा दिलकश सवेरा था। तेरे कदमों में जब सोया बड़ा दिलकश सवेरा था, और मेरे कामयाब होने की जमानत मिल गई घर से, निकलते वक्त मेरे सर पे माँ ने हाथ फेरा था। जी एक शेर देखिएगा कि मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, जस्टिस फॉर सोफिया सैफी, दिल्ली का कैसे सब जानते हैं, कि हुकूमत गूंगी हो तो जगाने से कुछ नहीं होगा, आईना अंधों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हुकूमत गूंगी हो तो जगाने से कुछ नहीं होगा, आईना अंधों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, और जरूरत आन पड़ी है रावण की तरह वध करने की, फकत कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है, अभी एक भाई ने पढ़ा भी था, मैं एक शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा, कि अगर खंजर नहीं होंगे तो जंगे कौन जिताएगा, समंदर सूख जाएंगे तो प्यासे कौन बुझाएगा। अगर खंजर नहीं होंगे तो जंगे कौन जिताएगा, समंदर सूख जाएंगे तो प्यासे कौन बुझाएगा, कभी समझा करो साहब किसानों की भी मजबूरी, लहू उनका निचोड़ोगे तो फसलें कौन उगाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोरोना टाइम्स चल रहा है तो एक शेर देखिएगा दो लाइन का, कि मैं तुझे छूं और तेरा हो जाऊं कोई कोरोना नहीं हो तुम, मैं तुझे छूं और तेरा हो जाऊं कोई कोरोना नहीं हो तुम, मेरे लिए हमेशा मिट्टी ही रहोगी कोई सोना नहीं हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस लॉकडाउन ने हमें कई नए वर्ड भी सिखाए, देखिएगा एक शेर की, क्वारंटीन करके रखे थे जज्बात सब उसने, पकड़ा जो मेरा हाथ तो उंगलियां मरोड़ दी। क्वारंटीन करके रखे थे जज्बात सब उसने, पकड़ा जो मेरा हाथ तो उंगलियां मरोड़ दी, तोड़कर लॉकडाउन उससे मिलने जो मैं गया, उसने भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उखेड़ दी। बहुत शुक्रिया। और इस कोरोना काल में आपने जो सबसे ज्यादा स्लोगन सुना होगा, स्टे होम स्टे सेफ, अब इसकी सच्चाई बताता हूँ सुनिएगा, कि हम सब जानते हैं फिर भी बताना पड़ता है, ये ऐसा बोझ है जिसको उठाना पड़ता है। हम सब जानते हैं फिर भी बताना पड़ता है, ये ऐसा बोझ है जिसको उठाना पड़ता है, और हम घर में रहने से सुरक्षित नहीं है साहब, ये पेट पापी है इसको खिलाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की बातें की गई तो मोहब्बत के हवाले से पढ़ता हूँ, कि इश्क करने की पुरानी रस्म निभानी पड़ी मुझे, ना चाहते हुए भी उसकी कॉल घुमानी पड़ी मुझे। इश्क करने की पुरानी रस्म निभानी पड़ी मुझे, ना चाहते हुए भी उसकी कॉल घुमानी पड़ी मुझे, और उसको डर था कि घर में कोई देख सकता है, लिहाजा डीपी से अपनी फोटो हटानी पड़ी मुझे। बहुत शुक्रिया। कि कभी मुझको चिढ़ाओगी, कभी पल पल सताओगी, जो सटकेगा मेरा माइंड फिर मुझको मनाओगी, जो सटकेगा मेरा माइंड फिर मुझको मनाओगी, यही बस सोचकर तुम पे गजल लिखने से डरते हैं, पढ़ोगी खूब इतराओगी हमें नखरे दिखाओगी। बहुत शुक्रिया। और एक किसी की तारीफ में कहा गया शेर की, तू जब सज धज के घर से निकलती होगी, ना जाने लोगों के दिलों पर क्या बीतती होगी, तू जब सज धज के घर से निकलती होगी, ना जाने लोगों के दिलों पर क्या बीतती होगी, और सड़क भी महसूस करती होगी तेरी आहट, दीवानों की जान निकलती होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि चाहत का इजहार करोगे रहने दो, तुम भी मुझसे प्यार करोगे रहने दो, हमने एक दिन में दो रात गुजारी हैं, तुम भी इसका स्वाद चखोगे रहने दो। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, कि मेरी वफाओं ने कैसा सिला दिया मुझको, जब वक्ते जाम था तो जहर पिला दिया मुझको, और तू बेवफा ही सही लेकिन दुआएं दूंगा तुझे, तेरी जुदाई ने शार बना दिया मुझको। और एक बस एक लास्ट शेर कहना चाहता हूँ, कि तू अगर तूफान है तो मुझको भी आंधी ना समझ, तू अगर तूफान है तो मुझको भी आंधी ना समझ, हम थप्पड़ के जवाब में सर काट लेते हैं, हमें महात्मा गांधी ना समझ। बहुत शुक्रिया।